अस्सलाम वालेकुम। BNC आपके एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर आतिफ रजा। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री का एक क्वेश्चन एटलीस्ट हर साल आपके एमकैट के पेपर में होता है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स कितनी तरह के हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स को हम क्लासिफाई किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड हैं। यूजुअली हमारे पास इनहेरिटेड डिसऑर्डर को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स एंड सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल डिसऑर्डर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट में, एक है ऑटोसोमल रिसेसिव और दूसरा है ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेक्स लिंक को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट में, एक्स लिंक एंड वाई लिंक्ड। ये वाई लिंक्ड आपके बुक में नहीं है। एक्स लिंक को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट्स में, एक्स लिंक रिसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट। ये एक्स लिंक डोमिनेंट भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव की अगर बात करें तो हमारे पास इसके एग्जांपल्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, एल्केप्टोनूरिया और भी काफी डिसऑर्डर्स हैं जो आपके बुक में शामिल हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में सिर्फ एक एग्जांपल दी हुई है, वो है हमारे पास हंटिंगटन्स। एक्स लिंक रिसेसिव में दो एग्जांपल्स हैं जो आपके बुक में हैं। फर्स्ट वन इज कलर ब्लाइंडनेस एंड द सेकंड वन इज हीमोफीलिया। पेडिग्री के ट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पेडिग्री में हमारे पास जो जो सिंबल्स यूज हो रहे होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास सबसे पहले स्क्वायर जो कि रिप्रेजेंट करता है मेल को, सर्कल जो कि रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। अगर इसमें कोई शेडेड एरिया मौजूद ना हो तो ये रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल कंडीशन को, लेकिन अगर ये कंडीशन हमारे पास शेडेड हो तो ये हमारे पास शो करता है अफेक्टेड को। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मेटिंग को, ये भी हमारे पास मेटिंग है लेकिन ये मेटिंग बिटवीन टू क्लोज रिलेशन है। अगर जनरेशंस की बात करें तो यहां पे हमने दो जनरेशन को शो किया है, दिस वन इज फर्स्ट जनरेशन, दिस वन इज सेकंड जनरेशन। इसके अलावा भी कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं, जैसे कि अगर इस तरह से कोई रिप्रेजेंटेशन है ये तीनों के दरमियान में कोई लाइन इन दोनों को ज्वाइन नहीं कर रही, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डायजाइगोटिक ट्विन को। एक चीज जो डायजाइगोटिक ट्विन के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डायजाइगोटिक ट्विन में सेक्स सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी, लेकिन इनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा डिफरेंट होगा क्योंकि ये दो अलग अलग स्पर्म और दो अलग अलग ओवम के मिलने से बन रहे होते हैं। इसी तरह से अगर ये रिप्रेजेंटेशन कुछ यू हो, बीच में इनको लाइन ज्वाइन कर रही हो, तो ये हमेशा मोनोजाइगोटिक ट्विन को रिप्रेजेंट करता है और मोनोजाइगोटिक ट्विन में हमेशा जो सेक्स होगा वो सेम होगा, कभी भी डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक जायगोट से बन रहे होते हैं। मींस एक ओवम एक स्पर्म के जरिए से फर्टिलाइज होता है और फिर हमारे पास ये आगे कन्वर्ट होता है। अब हम आ जाते हैं ट्रिक्स टू सॉल्व पेडिग्री की तरफ।
देखिए, पेडिग्री को सॉल्व करने के काफ़ी तरीकेकार हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ वो पेडिग्री को आसान बनाने के लिए हैं। अगर आप ये पॉइंट रिमेम्बर रख लेते हैं तो आपको पेडिग्री सॉल्व करने में यकीनन आसानी होगी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास यूजुअली जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं इनमें मेल टू फीमेल रेशियो सेम दिखाया जाता है। यानी कि इसमें जो रेशियो होगा मेल और फीमेल का सेम होगा। सेकंड नंबर पे जो सेक्स लिंक में एक्स लिंक रिसेसिव है उनमें अफेक्टेड मेल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू फीमेल्स। यानी कि मेल अफेक्टीज आर मोर इन एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर एज कंपेयर टू फीमेल्स। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये तो हमारे पास ऑटोसोमल और एक्स लिंक को एक तरह से डिफ्रेंशिएट करने का है, लेकिन ये 100% नहीं है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो रिसेसिव को और डोमिनेंट को तो यूजली रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैव स्किप जनरेशन। अब ये स्किप जनरेशन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। लेट सपोज आपको पेडिग्री दी हुई है जिसमें हमारे पास पेरेंट्स में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन बच्चों में बीमारी शो की गई है। तो ये हमारे पास जो पेरेंट्स हैं क्योंकि ये बीमारी शो नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे पास है स्किप जनरेशन। अगर पेडिग्री कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रही हो या फिर कहीं पर भी आपको ये पेडिग्री में नजर आ रहा हो तो ये हमारे पास कहलाता है स्किप जनरेशन। स्किप जनरेशन आपको रिसेसिव ट्रेट की तरफ लेके जाता है, डोमिनेंट की तरफ नहीं। यानी कि अगर पेरेंट्स में से कोई अफेक्टेड ना हो और बच्चे उनमें से अफेक्टेड हो तो ये कभी भी डोमिनेंट नहीं होगा, ये रिसेसिव ट्रेट होगा। अगर हम एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए कि मेल चाइल्ड के पास एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर साइड से आता है, फीमेल चाइल्ड के पास चूंकि दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मैटरनल साइड एंड वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर और पैटर्नल साइड। अगर हम फर्दर इस पॉइंट को देखने की कोशिश करें, लेट सपोज एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर आपको दिया हुआ है अगर आपके पास एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है और आपको ये कहा जा रहा है कि फीमेल अफेक्टेड है तो जो फीमेल अफेक्टेड होगी तो उसके फादर को भी वो ट्रेट होना चाहिए। यानी कि अगर वो हीमोफीलिया है तो और फीमेल अफेक्टेड है, हीमोफिलिक है फीमेल, तो हमारे पास फादर को भी हीमोफिलिक होना चाहिए। और उसके जितने भी बच्चे हैं, सन्स हैं, ये के मेल चाइल्ड्स हैं, वो सारे भी हमारे पास अफेक्टेड होंगे।
यानी कि इनकी पेडिग्री कुछ यू होनी चाहिए। लेट सपोज दिस इज अ फीमेल विच इज अफेक्टेड विथ हीमोफीलिया, एक्स स्मॉल एच होगा इसके पास, क्योंकि इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम मदर साइड से आता है और एक फादर के साइड से आता है, और फादर के पास चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो फादर को भी अफेक्टेड शो होना चाहिए। साथ में इसके जितने भी मेल चाइल्ड होंगे, चूंकि वो रिसीव करते हैं एक्स क्रोमोसोम मदर के साइड से और मदर के पास चूंकि सिर्फ और सिर्फ अफेक्टेड अलील है, तो इसके पास भी अफेक्टेड ही आएगा, इनके पास भी अफेक्टेड ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर इस तरह से कोई पेडिग्री शो की गई है जिसमें हमारे पास फीमेल अफेक्टेड है और उसका फादर भी अफेक्टेड है और उसके तमाम मेल चाइल्ड भी अफेक्टेड हैं, तो ये पेडिग्री एक्सलिंग रिसेसिव ट्रेट को शो कर रही होगी। अगर आपसे कहा जाता है कि एक्सलिंग रिसेसिव डिसऑर्डर ही है, और आपको ये दिखाया जाता है कि कुछ मेल चाइल्ड अफेक्टेड है, और कुछ अफेक्टेड नहीं है, तो उनकी जो मदर होंगी वो लाजमी तौर पे कैरियर होंगी। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि आपको शो किया गया कुछ यूं, इसमें हमारे पास इसको कोई मसला नहीं दिखाया गया, इसको बीमारी दिखाई गई है, तो हमारे पास जो फीमेल होंगी यानी कि इसकी जो मदर होंगी वो कैरियर होगी, क्योंकि इसके पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो भी मदर साइड से है और वो अफेक्टेड वाला है, इसके पास जो एक्स क्रोमोसोम आया है वो भी मदर साइड से है लेकिन वो अफेक्टेड नहीं है। तो यहां पे हमारे पास फीमेल जो है वो कैरियर है। तो आपको पेडिग्री देखते साथ ही कुछ चीजों को दिमाग में लेकर आना है। अगर आपको पेडिग्री में कहीं पे ये दिखाया गया है कि हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, कुछ मेल को अफेक्टेड दिखाया गया कुछ को नहीं दिखाया गया, तो उसकी जो मदर होगी वो कैरियर होगी, और उसके फादर को अगर कलर करके नहीं दिखाया गया, शेड करके नहीं दिखाया गया, इसका मतलब ये जो इसके पास एबनॉर्मल अलील है या फिर हीमोफिलिक की अगर एग्जाम्पल ले तो हीमोफिलिक अलील है, तो ये मदर साइड से आया होगा, फादर साइड से नहीं आया होगा, फादर साइड से इसको नॉर्मल मिला होगा। आगे हमारे पास बाकी चीजें जो हैं वो आप इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कि पास्ट पेपर्स में हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।